नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो होगी 2 से लेके 8 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते, और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मतलब आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। प्लीज यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है कैप्रिकॉन के, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए आपकी तरफ से जो भी न्यूज, जो भी संदेश आएगा मैं उन्हें वही बताऊंगी। प्लीज देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, जल्दी जल्दी किसी काम को निपटाना चाहते हैं, या फिर आपको आके अचानक से कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों इंसान इतना जल्दबाजी में है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, ये इंसान पहले आपके साथ पहले हो सकता है किसी भी कारण से इनका दिल टूटा हुआ था, ये थोड़ा परेशान थे, ये दुखी थे, इनको लग रहा था कि आपने इनको धोखा दिया है, परेशान किया है, लेकिन कुछ ही देर बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, आप सही कह, आप उतना भी जितना ये समझ रहे हैं आप उतना भी उनको परेशान नहीं किया है, आपने धोखा नहीं दिया है, लेकिन ये अपने तरफ से इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी ने इनके कान भरे थे, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने सुना था या फिर देखा था जिससे उनको लगा था कि आप उनको धोखा दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये धोखा नहीं है, और ये जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये गलत है। अभी ये हर चीज़ को सही करना चाहते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, पहले हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, या आप सोच रहे थे कि मुझे धोखा मिल रहा है, या इस चीज़ को ये सही करने के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर ये आपको ये बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ गलत है, जो आप सोच रहे हो ये कुछ नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है और ये आपको उस तरह की कोई परेशानी दे ही नहीं रहा था, तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए हो सकता है ये आपके तरफ आ रहे हैं, और जल्दबाजी में भी है, और ये चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और इनको ये पता भी है कि ये जो भी कहेंगे वो उस बात को आप मान जाओगे। करेंटली ये इसी चेष्टा में है कि जल्दी जल्दी आके आपको सारी चीज़ों की सच्चाई बताएं और सही तरीके से आपको बातें प्रेजेंट करें, जो भी आपने गलत तरीके से सुना था या फिर सोचा था। अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके खुद के क्या, आपके खुद की क्या करंट फीलिंग्स है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके खुद के क्या करंट फीलिंग्स हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेहनत करना चाहते हो खुद की स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल रिश्ता ये भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी ये भी चाहते हैं,
और आप भी मेहनत करना चाहते हो रिश्ते में भी और अपने लव लाइफ में भी, आप भी गिव अप करना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों आपको लग रहा है कि अगर मेहनत किया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको क्लैरिटी मिला होगा तभी आपको लग रहा है। द टावर के कार्ड, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड, हो सकता है अचानक से ये आपके लाइफ से चले गए थे या फिर आप मूव ऑन कर लिए थे, लेकिन अभी आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल गई, रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिली। अचानक से ऐसा कुछ हुआ जो आपने सोचा ना था, लेकिन उस वो चीज़ होने के बाद आपको हर बात की क्लैरिटी मिल गई। जैसे कि ये भी आपके पास आना चाहते हैं, आप भी मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते में, क्योंकि आपके लिए इस रिश्ते में रहना कोई विश पूरा होने जैसा है आपके लिए। आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये आपके दिल के बहुत करीब है और इस रिश्ते में रहना आपके लिए एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट है, इसीलिए आप मेहनत करना चाहते हो। लेकिन पहले आपको लग रहा था कि आपका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हुआ है, आपको दुख मिला है, परेशान हो आप, लेकिन अभी आपको ये चीज़ पता चल गया और रिश्ते के बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल गई। जैसा मुझे लग रहा था कि किसी ने आपको बहकाया, कुछ कहा, या फिर आपने किसी सोशल मीडिया पर किसी फोटो वगैरह देख के आपने कुछ गलत सोचा होगा, तो लेकिन अभी आपके पूरी थॉट्स जो है वो क्लियर है और आपको पता चल गया है कि क्या करना चाहिए। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो यंग है बहुत, मतलब आपसे कम से कम तो छोटा ही होगा। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं रिश्ते को लेके। इनको पता है कि अगर इस रिश्ते में ये आते हैं तो इस रिश्ते का जो जिम्मेदारी है वो भी निभाना पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी इस रिश्ते में आना चाहते हैं, रिश्ते को नई तरीके से सोचना चाहते हैं। हमेशा ही सोचते हैं क्योंकि इनका जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, ये बहुत मतलब हाई लेवल पे जाके सोचते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं कि ये चाहते हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी आई विथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। द फूल का कार्ड, मैंने कहा कि ये रिस्क लेना चाहता है ये इंसान। टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखो शादी के कार्ड भी आ गए हैं। ये क्या चाहते हैं ये आप देख लो, ये इंसान क्या चाहता है या चाहती है आप देख लो। ये रिश्ते को लेकर रिस्क लेना चाहता है, हो सकता है किसी ने आपको कुछ कहा था, मैंने कहा जिससे आपका दिल टूट गया था और आप दुखी थे परेशान थे, लेकिन ये इन्होंने आपको समझाने में कामयाब हुई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको समझाने आ सकते हैं। ये आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। शादी अगर आपका हो चुका है तो आपको पता ही है, घर परिवार बच्चे जो हम सबकी ख्वाहिश है ये वही चाहते हैं। अगर है तो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, अगर नहीं है तो एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं आपके साथ जो आगे चल के एक खुशहाल परिवार में कन्वर्ट होगा। ये आपके साथ परिवार देखता है और परिवार बनाना भी चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। वैसे तो आप मेहनत करना चाहते हो कैप्रिकॉन, और आपके लिए इनके साथ रिश्ता होना एक विश पूरा होना जैसा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक बात और है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर जाए, और जो भी बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ मैच कर जाएगा, तो इससे आपको समझ लेना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी किसके है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अभी देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आप खुद क्या चाहते हो कैप्रिकॉन, यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो कैप्रिकॉन, आप खुद क्या चाहते हो प्लीज यूनिवर्स। देखते हैं कैप्रिकॉन के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन, आप खुद क्या चाहते हो कैप्रिकॉन।
आप खुद क्या चाहते हो देख लेते हैं, ज्यादा कार्ड नहीं लेंगे जितना जरूरत है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो पहले पहले, आपको जैसे कि पहले भी कार्ड आया था, आप मेहनत करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। वो जो स्टेबिलिटी होगी वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी पहले होगी, आप पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी को महत्व दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जीवन चलाने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए जिंदगी में पैसों की अहमियत सबसे ज़्यादा है, तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो और इसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हो। अभी देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, अगर मैं ये कहूँगी ये गलत होगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिनको फिनेंशियल फ्रीडम एंड फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम दोनों ही रहता है। देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द एम्प्रेस, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये इंसान आपसे दूर रहता है या फिर दूर चला गया था। कैप्रिकॉन, तो आपके लिए ये एक फिनेंशियल लॉस हुआ, मतलब ये आपसे दूर रहना आपके लिए बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस जैसा है, प्रॉब्लम है। आपको अपना हो सकता है घर चलाना होता है, परिवार चलाना होता है, खुद को मेंटेन करना होता है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके परवरिश करना होता है, अगर नहीं है तो जो शादीशुदा है वो सोच रहे हैं कि इनके साथ मिलके मुझे परिवार बनाना है। तो पहले आप जो आपका जो फिनेंशियल लॉस हुआ है पहले आप उसको रिकवरी करना चाहते हो। फिलहाल अगर मैं कहूँ आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरह की स्टेबिलिटी। आपको जो भी अच्छा लगता है वो सारी चीज आप मेहनत से कमाना चाहते हो, चाहे पैसा हो, कपड़े हो, जेवर हो, स्टेबिलिटी हो, जो भी आपको खुशी दे, इस तरह के हर चीज आप मेहनत से कमाना चाहते हो। ये आपकी पहली मांग है। और दूसरी, आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो। हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आप पहले भी सोच रहे थे कि आपका दिल टूटा हुआ है, आपको धोखा मिला है। हो सकता है किसी की बात सुन के आपको ऐसे लग रहा था, या फिर आपने ऐसा कुछ देख लिया होगा सोशल मीडिया पर या फिर कहीं, जिससे आपको ये लगा कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। लेकिन असल में मुझे नहीं लगता ये आपको धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ की मांग है, जस्टिस की मांग है, तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप चाहते हो कि आपको न्याय मिल जाए, और अगर कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो आपको ये चाहिए कि जो आपके साथ बुरा हुआ है वो सही हो जाए, चाहे आप दोनों में बात बंद हो, चाहे आप एक दूसरे को फिनेंशियली सपोर्ट करते थे वो बंद हो गया है, या फिर मिलना बंद हो गया है, या फिर आप लोग साथ में बिजनेस करते थे तो उस बिजनेस से आपको निकाला गया, या फिर वो निकल गए, कुछ भी परेशानी आप लोगों में हुआ, उस सारी चीज़ों को आप जस्टिस के नज़र से देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप अपने लिए सोचना चाहते हो, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो और अपने लिए जस्टिस भी मांग कर रहे हो भगवान से। और इसके लिए आप बैठे नहीं हो, आप मेहनत भी कर रहे हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस रिश्ते में रहते हो तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अभी देख लेते हैं इन दिनों इस रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। 2 से लेके 8 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, कैप्रिकॉन के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। कैप्रिकॉन के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। कैप्रिकॉन के लिए रिश्ते का आउटकम बताइए प्लीज यूनिवर्स, कैप्रिकॉन के लिए रिश्ते का आउटकम बता दीजिए प्लीज यूनिवर्स।
आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकता है, टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं, लेकिन जितना दिखाई दिया मुझे मैंने बता दिया, सजिटेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई। अभी देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। टू ऑफ सोर्स, इस रिश्ते का आउटकम खास करके इन दिनों कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि हो सकता है दोनों को ही क्लैरिटी की अभाव है, दोनों को ही सच जो सही है उसका पता नहीं है, जो हो सकता है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, जो हुआ है, जो हो चुका है, देखो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हो सकता है उसके लिए हमें सोचना चाहिए। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, अगर हम टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ट्स क्यों कंफ्यूजन है। पेज ऑफ सोर्ट्स, अरे बाप रे, फाइव ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में आया है, ये जरूर कोई ज्यादा चांसेस है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस होने की चांसेस है। अच्छा, कंफ्यूज इसीलिए है आप लोगों में से दोनों का जो एनर्जी है वो कंफ्यूजन भरा इसलिए है, कोई है जिसने बहुत ज्यादा दूसरे को अपमान किया है, आप एक दोनों में से कोई एक है जो मतलब ऑपोजिट जो है आपके, या आप हो या फिर आपके पर्सन है कैप्रिकॉन, बहुत ज्यादा अपमानित किया है, ह्यूमिलिएट किया है, परेशान किया है, इसीलिए वो चाहकर भी इस रिश्ते में वो पहल नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, उनको लग रहा है कि इनके पास सब कुछ क्लियर है, इनको पता है, क्लैरिटी आ गया है, पहले ये सोच रहा था कि इस रिश्ते में गड़बड़ है, ये मुझसे झूठ का बोल रहा है, ये है वो है, लेकिन क्लैरिटी उनको मिलेगी, लेकिन मिलने के बाद भी कभी कभी किसी का ईगो उसको रोक देता है, कभी कभी उसके खुद के कर्म, मतलब अगर आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है तो आपका जो अंतरात्मा होता है, इंसान के सबसे बड़े जो शिक्षक है वो उसके अंतरात्मा होता है, कभी ना कभी आपका आत्मा आपको झंझोरेगा, हाँ मैंने भी इनके साथ ये किया वो किया, इतना कहा, उनको नीचा दिखाया, तो इसके कारण भी वो रुक रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूज है कि क्या मैं करूं, प्यार लेके जाऊं या ना जाऊं, सच्चाई उनसे कहूं या ना कहूं, मुझे पता है ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, अभी मुझे ये सारी बातें पता है, लेकिन जा नहीं पाएगा, कोई एक है, हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है इसीलिए अभी उनका ईगो उनको रोक सकता है, तभी इस रिश्ते का आउटकम कंफ्यूजन आया है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, और लवर्स के कार्ड मैंने लिया नहीं लेकिन ये खुद ब खुद आ गया है तो मैं पढ़ूंगी, अच्छा कार्ड है क्यों ना पढ़ूं। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप पुरानी चीज़ों को बातों को दिल से लगा के रखोगे तो कोई फायदा नहीं, उस बात को भूल जाओ, जो भी हुआ है हो सकता है, हम इंसान हैं, हमें गलती होगी, हम भगवान नहीं हैं, तो उसको भूल जाइए, अगर पैसों के लिए परेशानी थी, अगर पैसे की कमी थी तो मेहनत कीजिए, मेहनत करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाइए, और इस रिश्ते को लेके आप एक डिसीजन जरूर लीजिए, जो भी डिसीजन लीजिएगा आप आगे पीछे सोच के
अच्छे चीज़ों को सोच के ना, हमेशा अगर आप बुरे चीज़ों को याद रखोगे तो आपके दिमाग में हमेशा बुरा चीज़ ही आएगा। अगर हर चीज़ में एक बुरा पहलू एक अच्छा पहलू होता है, अगर आप उस अच्छे चीज़ को अच्छे पहलू को याद करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बुरे चीज़ को याद रखोगे तो हमेशा अपने मन में क्रोध जमेगा, परेशानी होगी, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, भूल जाओ, छोड़ दो और मेहनत करो रिश्ते को लेके, दोनों मिलके मेहनत करो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, जो मिलना है वो मिलेगी। अगर आप लव रिलेशन में हो, शादीशुदा नहीं हो, तो भी मिलके काम करो, सपने देखो अच्छे कुछ करने की, अपने स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की, क्योंकि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। आपके साथ उनका रहना और उनके साथ आपके रहना, दोनों ही दोनों के लिए लकी हो। तो पुरानी चीज़ों को भूल जाओ और रिश्ते को लेके एक सही डिसीजन लो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।